आज इस तरह से हो रहा है तो मुझे काफ़ी चोट पहुंची है, और मैं चाहता हूं कि इसका मैं अपने तरफ से इसका खुलासा कर दूँ, लोगों को जानकारी मिले। और मैं दिल्ली में ही था, आप लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई थी, आप लोगों के सामने आने में मुझे शर्म महसूस हो रही थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पैसा पकड़ाया है वो मेरा फर्म का पैसा है। हमारा 100 साल से भी ऊपर का जो कंपनी है या फिर ये पुराना यह बिजनेस है, और हम यह जो कैश का जो पकड़ा गया है यह हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। हमारा परिवार पिछले 100 साल से अधिक से चलता आ रहा है तथा हमारा जो भी कारोबार है वह बिल्कुल पारदर्शी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है वह शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इसका इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। जहां तक BPDL की बात जैसा है कि अखबार मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वो कैश जो बरामद नहीं हुआ है वहाँ पर, जो कैश को लोग बोलते हैं कि काफ़ी मात्रा में कैश वहाँ बरामद हुआ है, तो वह हमारा डिस्टिलरी वहाँ पर है, वह शराब बनता भी है, और वहाँ पर किसी तरह का भी कोई भी कैश नहीं पकड़ा गया। और जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है वह सारा पैसा मेरा नहीं है, यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। जो विपक्ष से खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से जो लगातार आरोप लगाए गए कि ये काला धन है, कोई हिसाब किताब नहीं है, इनकम टैक्स ही बताएगी, इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए, काला धन है या सफेद धन है, वो तो इनकम टैक्स का इसका जवाब देगी, हिसाब आप देंगे। हाँ हिसाब, हाँ देखिए, हम बिजनेस, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मैं बिजनेस में नहीं हूँ, हमारे परिवार वाले इसका जवाब देंगे। मैं बिल्कुल इस मामले से बिल्कुल दूर हूँ।